नमस्कार, मैं प्रतीक मिश्रा रामा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हम लोग 68वां गणतंत्र दिवस मनाने वाले हैं। आइए जानते हैं लोगों से कि इस वर्ष वो गणतंत्र दिवस किस तरीके से मनाएंगे। जी, आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार जी। इस बार आप गणतंत्र दिवस किस तरीके से मनाएंगे? जी, हम गणतंत्र दिवस इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल मैम ने हमें कॉलेज में बुलाया है और कॉलेज में प्रोग्राम है और वो लोग हम लोगों को इसके बारे में कुछ बताएंगे। पहले अपने विचार व्यक्त करेंगे जी। उसके बाद हम लोग मस्ती करने जाएंगे, बाहर घूमने जाएंगे और इसमें कुछ संकल्प लेंगे अपने ज़िंदगी के लिए कुछ, कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम 68वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारी जो महिलाएँ और जो माताएँ हैं उनको हमें सम्मान देना चाहिए, उनके प्रति हमें अपनी जो सोच है उसको बदलना चाहिए, उन्हें बराबरी का मौका देना चाहिए। नाम है मेरा जी। आप कैसे मनाएंगे गणतंत्र? सर, मैं भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करूंगा, कॉलेज आऊंगा, फुल एकदम से जो प्रोग्राम है उनमें सेलिब्रेट करूंगा और अपना सर यही सर आज का की बात है जी। आप कैसे मनाएंगे गणतंत्र दिवस इस बार? रामा मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट है, सब आएंगे, कल क्लास नहीं होगी और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर छुट्टी हैं, सब मौज मस्ती करेंगे कॉलेज के अंदर ही बस। जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, हमने रामा यूनिवर्सिटी पैरा मेडिकल के छात्रों से बात करी। इस 26 जनवरी उनका पूरा मस्ती करने का विचार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामा विश्वविद्यालय की पैरा मेडिकल की छात्राओं के साथ, जो कि नेपाल से बिलोंग करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत अपना 68वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, तो आप लोग बाहर से हैं तो आप लोग यहाँ पे अपने आप को कितना सेफ महसूस करती हैं? जनरली यहाँ पे आके यस वी आर फीलिंग सेफ, कानपुर इज बीइंग वेरी गुड एंड फ्रेंकली एनवायरनमेंट टू अस। जैसा कि आप लोग अपने कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल सेफली महसूस करते होंगे, ठीक है, लेकिन अब आप लोग यहाँ इंडिया में आए हुए हैं तो क्या आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि जो अपने कंट्री से मतलब थोड़ा सा अलग या ऑड लगा हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो? Not that much, but we are scared when we go out in the evening. As in our country we can go anytime, but in India we have heard so many things, so it's little scary when we go out during evening time. भैया, आपका नाम? हिमांशु शुक्ला। गणतंत्र दिवस के बारे में आप क्या जानते हैं? अरे, 1947 में भारत आज़ाद हुआ अंग्रेजों के चंगुल से और 1950 में संविधान की रचना हुई, उसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। के मद्देनजर हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आप ये बताइए कि आप गणतंत्र दिवस कैसे मनाएंगे? मैं अपनी दुकान पर एक झंडा लगाकर उसके सम्मान में खड़े होकर उसके बाद अपनी पूजा पाठ करके इस तरीके से अपना गणतंत्र दिवस मनाता हूँ। जी सर, सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वर्ष हम लोग 68वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, तो भारत को आप विश्व स्तर पर किस स्थान पर देखते हैं? ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है और हम लोगों ने देखिए हर क्षेत्र में प्रगति तो बहुत की है जी, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि प्रगति और हम इससे अधिक भी कर सकते थे जी, क्योंकि हमारे ही पड़ोस में चीन देश है, वो आज़ाद हुए हमसे बाद में और आज प्रगति में वो हमसे आगे हैं जी। और अब वो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, दूसरी जल्दी ही बनने वाले हैं। तो अब ये है कि जो बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले। अब हमें लगता है कि तुम जैसे नौजवान और आगे आने वाली पीढ़ी देश को और आगे ले जाएंगे, मेरा यही कहना है। तो जी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से अभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है हिंदुस्तान को अभी भी विकास की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा? विकास की ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में है जी। कहने को स्कूल हमारे यहाँ बहुत खुले हुए हैं, प्राइमरी शिक्षा। अब हम आपको बताते हैं अपने बचपन की बात जी। हम लोग जब प्राइमरी में जाते थे टाट पट्टी पर बैठते थे, लेकिन पूरा दिन हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे, पूरे स्कूल में पर्याप्त अध्यापक थे, बच्चे भी खूब होते थे। अब हम सुनते हैं कि क्लास खाली पड़े हैं, टीचर्स की कमी है, जो हैं वो भी जा नहीं रहे। तो विकास का जो रास्ता है जी, वो शिक्षा से ही होके निकलता है। दूसरा, विकास को अवरुद्ध कर रहा है भ्रष्टाचार जी।
जो कि हर क्षेत्र में व्याप्त है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन है वो प्रयासरत है, लेकिन कल ही समाचार पत्र में था कि जो हमारी राजनीतिक दल हैं उनका लगभग 70% जो उनके पास चंदा आता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए हर क्षेत्र में, उससे भी विकास में एक विकास का ये इंजन काम करेगा जी। और जो हमारे मोदी साहब कह रहे हैं मेक इन इंडिया मिशन पर भी ज़्यादा काम किया जाए जी। भारत में ही सामान बनेगा। हम तो आपको क्या बताएं, हमारे तो बचपन में कोई चीज़ बनती ही नहीं थी यहाँ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर रखा था। और उस समय के जो हमारे नेता थे उनकी नीतियाँ थीं कि कोटा परमिट वाला मामला था। खैर अब तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इकोनॉमी भी खुल चुकी है, तो प्रगति तो हो रही है और आगे और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोग विश्व स्तर पर पहुँच पाएंगे जी। अपने विचार हमारे साथ बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद।